सो हाय एस अगर आप एक नया आईफोन का सोच रहे हो या फिर आप एंड्रॉइड से आई में शिफ्ट हो रहे हो तो यहाँ पे कुछ आपको बेसिक सेटिंग आपके आईफोन में ऑन कर लेना चाहिए जहां पे आपको फोन के इकोसिस्टम सिस्टम आने के बाद या फिर आप बोल सकते हो कि आई लेने के बाद आपको ज्यादा इशू नहीं होगा तो गाइस इसलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हो और यहाँ पर मैंने कुछ आपको बेसिक सेटिंग्स बताया है जो कि आप न्यू आईफोन या फिर आप सेकंड आईफोन लेने जाओ तो आपको काफी ज़्यादा हेल्प होने वाली है तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड से आई में शिफ्ट हो रहे हो और आपका ये फर्स्ट टाइम आपका लाइफ का फर्स्ट आईफोन है तो उस सिनारे में आप क्या कीजिए कि जब अपने एंड्रॉयड का डेटा

बैटरी हेल्थ दिखाते हैं कि आपको कैसे चेक करना है उसके आपको चले जाना है सेटिंग पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा बैटरी आप इस पर जाइए और यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देगा बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग इस पर क्लिक कीजिए तो देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो एटी फाइव परसेंट है वैसा क्यों क्योंकि इस फोन को मैं तकरीबन दो साल से यूज़ कर रहा हूँ ठीक है और अब आपके केस में क्या होता है मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट से जैसे कि अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से अपने सेल्स में मंगाया और आप जब अनबॉक्सिंग करते हो फोन को तो सबसे पहले उसका वीडियो बना लीजिए सेकेंड थिंग यहाँ पे ये कि जब आप इसको बैटरी कैपेसिटी दिखा रहे हो इसका भी वीडियो बना लो तो फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि यहाँ पर जो बैटरी कैपेसिटी है वो अगर हंड्रेड से कम होगी जब आप ऑनलाइन मंगा रहे हो उस केस की बात कर रहा हूँ तो हंड्रेड से जैसे कम रहेगी आप इमिजिएटली उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर दीजिए और उसके बदले एक रिप्लेसमेंट ले लीजिए ठीक है और अब हम बात करते हैं जैसे कि कोई वेबसाइट से आप लेते हो जैसे कोई कैसी फाई सेकेंड हैंड से अगर आप लेते हो कैसी से तो उस सिनारियों में क्या कीजिए कि आप ये मेकश्योर कीजिए कि चाहे आप कोई भी आईफोन ले रहे हो चाहे आईफोन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन डजेंट मैटर उसका जो बैटरी कैपेसिटी मैक्सिमम है वो एटी प्लस होना चाहिए तो गाइस एटी प्लस जो होता है ये बेस्ट सिनारियो होता है आईफोन के बैटरीज के लिए और उसके यूजेस के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा आपका मतलब एक

जनली इसके जो सेंसर से वो प्रॉपर तरीके से काम पर है क्योंकि ट्रू टोन क्या करता है कि आपके आस पास आप जिस इन्वायरमेंट में हो जैसे मान लो कि अगर आप किसी गार्डन में है और आपके ऊपर पेड़ है ग्रीन तो ये आपका थोड़ा जो डिस्प्ले है थोड़ा आपको येल्लो थोड़ा ग्रीननेस आपको हल्का सा दिखाई देगा ठीक है तो इसका मतलब ये होता है कि बेटर इन्वायरमेंट के हिसाब से डिस्प्ले की जो कलर है उसमें वेरिएशन करता है और आपको उस तरीके से रिप्रेजेंट करता है तो आप चेक कीजिए सेकेंड हैंड में फिर जैसे कि आपने मैंने आपको बताया तो अगर आप नया आईफोन भी ले रहे हो तो डेफिनेटली आप इसे हमेशा ऑन रखिए ये आप

तो सबसे पहले आप इसे ऑन कर लीजिए इसको ऑन करने से होगा क्या है? तो जब आप अपने को फेस से तो जब तक आप उसको वाला आप अपने बंद करो या फिर खोले रखो ठीक है तो ये जरूर से इस फीचर्स को ऑन कीजिए उसके बाद यहां पे आपको अटेंशन अवेयर फीचर्स भी दिखाई देगा तो डेफिनेटली ऑन कर लीजिए क्योंकि यहां से भी क्या होता है कि प्रॉपर अटेंशन के बाद ही आपका जो आईफोन ओपन अप होगा इसी में आपको

आपको उस लोकेशन का एक लास्ट लोकेशन भेज देगा कि आपका आईफोन इसी जगह पे स्विच ऑफ हुआ था या फिर इतने बजे ये स्विच ऑफ हुआ था स्विच ऑफ ऑन कर सकते हो एंड बाहर आने के बाद आपको यहां पे शेयर माई लोकेशन दिखाई देगा इसको भी बंद कर सकते हो तो बहुत लोग को यह लगता है कि ये सेटिंग करने के बाद इनका सेटिंग पूरा हो जाता है बट एक चीज आप जरूर मिस आउट करते हो वो भी मैं बता देता हूं आपको आपको बैक आना है कुछ इस तरीके से और नीचे से करना है यहां पे आपको दिखाई देगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटीज आप इस पर जाइए आपको यहाँ पे दिखाई देगा लोकेशन सर्विसेज लोकेशन सर्विस पे जाइए नीचे से कीजिए यहाँ पे अगेंस्ट आपको दिखाई देगा फाइंड माई आप इस पर क्लिक

ऐप लॉक नहीं लगा सकते सो so, आप लगा सकते हो आईफोन में थोड़ा तरीका अलग है लेकिन बहुत ही सॉलिड है आपको यहां पे शॉर्टकट्स का अपलीकेशन दिखाई देगा कुछ इस तरीके से जो कि फ्री में मिलता है हमें एप्पल की तरफ से आपको इस पर चले जाना है यहाँ पे जाने के बाद आपको ऑटोमेशन का ऑप्शन दिखाई देगा न्यू ऑटोमेशन में क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देंगे ठीक है तो आपको नीचे से करना है यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा ऐप का आपको ऐप पे जाना है ऐप पे जाने के बाद आपको चूज ऐप का ऑप्शन दिखाई देगा चूज पे क्लिक कीजिए तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं इंस्टाग्राम पर लॉक लगाना चाहता हूं मैं इस पर क्लिक करूंगा और डन पे क्लिक

सो यू कैन सी इट की फटाक से लॉक हो गया तो कुछ इस तरीके से लॉक हो जाएगा आप इसे ओपन करने के लिए आपको फेस आई देना ही पड़ेगा इसको अनलॉक करने के लिए तो बहुत ज्यादा ये सॉलिड तरीका है और जो भी मैंने चीजें बताया आपको आपको एक ही बार 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 सेटअप सेटअप करना है करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप चाहे तो पूरे जितने भी आपके पास आईफोन में अप्लीकेशन है सारे के सारे एप्लीकेशन को चूज कर सकते हो कुछ इसी तरीके से लॉक करने के लिए तो ये भी काफी सॉलिड तरीका था आई डी के थ्रू अपने अपलिकेशन को लॉक करने के लिए अपने आईफोन में सो आईओ पे जो मैंने सेटिंग्स बताया आपके काफी ज्यादा यूजफुल होंगे सो यहाँ पे मैंने बेसिक से एडवाइस तरीके भी बताए किस तरीके से आपको करना है फिर जूनियर आईफोन आप लेने जा रहे हो सेकंड हैंड तो सारी चीजें मैं आपको काम करने वाली है तो टॉपिक्स आपको समझ नहीं आए तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स ओपन है वहां पर जाकर अपने कमेंट्स लिखिए मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा अगर आप किसी टॉपिक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो एक इंडिविजुअली तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स कीजिए आई विल मेक वीडियो फॉर दैट टॉपिक काफी आपका जो काम है और भी ज्यादा ईजी हो जाएगा जब आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तो टेक केयर ऑफ ऑल जय हिंद